रमेश पाटिल ने की मनपा आयुक्त से मुलाकात, मछली विक्रेता महिलाओं के मुद्दे पर हुई चर्चा। नई मुंबई से भाजपा के विधान परिषद सदस्य रमेश पाटिल ने आज आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की। रमेश पाटिल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि नई मुंबई में कुछ लोग बिना लाइसेंस के मछली बेच रहे हैं। हमने आयुक्त से मांग की है कि प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान करे और उनको मछली बेचने से रोके। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों की वजह से मान्यता प्राप्त मछली विक्रेताओं को समस्या हो रही है। वो लोग खराब क्वालिटी की मछली कम दाम में बेच रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। मच्छीमार महिलांचे जे लायसन्स आहेत ते लायसन्स तुम्ही द्यायला पाहिजे। ज्या पद्धतीने मुंबईमध्ये ब्रहन मुंबई कॉर्पोरेशन मच्छीमार महिलांना जे काही मासली विक्रेता आहेत त्यांना जे परवाने आहेत ते परवाने ज्या पद्धतीने देतात त्याच पद्धतीने ह्या नवीन मुंबईमध्ये ह्या मच्छीमार महिलांना मिळालं पाहिजे अशी आमची मागणी होती। मच्छीमार महिलांचे जे लायसन्स आहेत ते लायसन्स तुम्ही द्यायला पाहिजे। ज्या पद्धतीने मुंबईमध्ये ब्रहन मुंबई कॉर्पोरेशन मच्छीमार महिलांना जे काही मासली विक्रेता आहेत त्यांना जे परवाने आहेत ते परवाने ज्या पद्धतीने देतात त्याच पद्धतीने ह्या नवीन मुंबईमध्ये ह्या मच्छीमार महिलांना मिळालं पाहिजे। स्पेशल डेस्क टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।